नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पांडेपुरी। आई एम शिखा और आज मैं एक झटपट तैयार होने वाला स्टार्टर बना रही हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए और आपको कुछ सुपर इजी यम्मी और टेस्टी बनाना हो जो विद इन लाइक 5-10 मिनट्स में रेडी हो जाए, तो दिस रेसिपी इज फॉर यू। आई एम मेकिंग पापड़ शॉर्ट्स टुडे एंड लेट्स चेक आउट द रेसिपी। सो गाइज, मसाला पापड़ बनाने के लिए मैंने लिए हैं लिज्जत पापड़। दो बड़े पापड़ लिए मैंने, चाट मसाला लिया है मैंने, नॉर्मल भुजिया है ये हल्दीराम की, और अनियन टोमेटो है चॉप्ड, कोरिएंडर है चॉप्ड, और टूथपिक लिया मैंने। सो स्टेप वन में हाथ से थोड़ा सा ऐसे रोल करके हल्का सा, और फिर इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और फिर इसका कोन बना लूंगी। सी ऐसे करके जैसे समोसे का बनाते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसे ही। बाकी सारा भी मैं वैसे ही बना रही हूँ। सी ये वाला कोन थोड़ा अच्छा बन गया मुझसे। नीचे से अगर हल्का फुल्का टूट भी जाए ना तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग द कोन शेप इट्स फाइन। सी ये एकदम परफेक्ट बना था। बाकी सारा भी मैं फिर वही बना रही हूँ। सी ये भी थोड़ा सा नीचे से टूट गया, बट इट्स ओके। वो जब रोस्ट हो जाएगा ना तो वो अपना शेप वो वैसे ही ले लेगा, फिर वो स्टिफ रहेगा। तो अभी मैं इसको अवन में रोस्ट कर रही हूँ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। तो पहले मैं 30 सेकेंड्स कर रही हूँ, फिर मैं चेक करूँगी कि हो गया या नहीं प्रॉपरली। अगर नहीं हुआ तो फिर और 30 सेकेंड्स। हो गया ये, अब इसका मैं टूथपिक निकाल रही हूँ। एंड सी कितने अच्छे कोन शेप आ गई ना। अभी हम इसकी मिक्सचर बना लेते हैं। तो ये जो भुजिया है इसमें मैं चॉप टोमेटो ऐड कर रही हूँ, ये विदाउट सीड है। अनियन ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में रख लूँगी एट लास्ट गार्निशिंग करने के लिए। आप चाहो तो ना इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, स्वीट कॉर्न। कोई भी चीज़ आप ऐसी ऐड करना जिससे वाटर रिलीज नहीं होता हो, अदरवाइज आपका जो पापड़ है ना, जैसे आप फिलिंग करोगे वो सॉगी हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप फिल कर रहे हो, मेक श्योर कि वो वाटर रिलीज नहीं करता हो। और मैंने इसीलिए सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि भुजिया में भी सॉल्ट है, पापड़ में भी सॉल्ट है, चाट मसाला में सॉल्ट है। ये मेरा हाफ एन आवर तक क्रंची था, ट्रस्ट मी गाइस, बिकॉज मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया तो वो सॉगी नहीं हुआ जल्दी से। बहुत ही क्विकली बन जाता है ये। और अगर आपको लेमन स्क्वीज करना हो ना तो लास्ट के लिए लेमन रखना, इसमें पहले से स्क्वीज नहीं करना। जब आप ये व्हेन यू हैव इट तब आप स्क्वीज करके देन यू फटाफट से हैव इट। अभी इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। फिर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स,
ये जो हल्दीराम की मसाला बूंदी होती है ना, इससे मैं इसको फिर से गार्निश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। एंड इस सबका मिक्स जो टेस्ट आता है ना, ओह यम्मी। फाइनल टच। आप चाहो तो इसमें हल्का सा ना रेड चिली पाउडर ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो। एंड देन यू सी, इट लुक्स अमेजिंग। ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ डिड यू गाइज लाइक इट। इट्स प्रिटी क्विक, प्रिटी ईजी। एनी वन आई थिंक कैन मेक दिस। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस रेसिपी। How did you like this recipe? If you've liked it, you know what you need to do. Give it a thumbs up, share it with your friends and family. Do subscribe to my channel. You can follow me on Instagram and Facebook. The links are given in the description box below. And I will see you in my next video. Till then, eat, live, and love.